दमन में जन औषधि केंद्र चलाने वाली उर्वशी पटेल बनी महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा। विश्व महिला दिवस पर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में महिला सशक्तिकरण से जुड़ने खबरों और कहानियों को देखने को मिलती है। इसी क्रम में एक नाम दमन की उर्वशी पटेल का भी है। उर्वशी पटेल ने मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए जन औषधि केंद्र को चलाने का बीड़ा उठाया। धाबेल के औद्योगिक क्षेत्र में हजारों कामदारों की बस्ती के पास जन औषधि केंद्र को सफलतापूर्वक चलाकर लोगों को महंगी दवाई से निजात दिलाकर जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूक करने की चुनौती भरा कार्य कर दिखाया। उनके इस अभियान से उनके साथ उनके पति जयेश पटेल ने भी बखूबी निभाया। आज विश्व महिला दिवस पर उर्वशी पटेल ने महिलाओं के साथ मिलकर जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान किया। महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी पैड भी बांटे। उर्वशी पटेल द्वारा आज दमन में युवा महिला मंडल एक प्रेरणा बन चुकी है। बस ठीक है, आज वुमेंस डे के अवसर पर मैं दाबेल अटेवा चारस्ता दमन के जन प्रधानमंत्री जन औषधि जेनेरिक स्टोर से मैंने फ्री सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। बेसिकली जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं, लो मतलब जो बेसिकली जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए गए हैं, जो मैंने आज उस इस ओकेजन पे वो बटे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बेसिकली जन औषधि स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हमें जेनेरिक मेडिसिन मिल जाती है जो लो कॉस्ट में होती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो लोग शायद अपनी जान भी मतलब दे कैन अफोर्ड द थिंग, उसके लिए उन्होंने लो बज सेम क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर जेनेरिक दवाइयाँ बनाई हैं जो सिर्फ लो कॉस्ट में मिली जाती है। हाइजीन वुमेंस नो हाइजीन, दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी ऑफ अ वुमन इन देयर लाइफ। तो एनुज इलिटरेसी ए पण एक एवं वस्तु छे जे वुमेन जेना कारण ए लोगों ने घनी बीमारियों थाय छे। तो आ सैनिटरी पैड एक एवं छे के ए लोगों ने हाइजीन माटे मेन मोटिवेट करवानो, दैट वॉज द मेन मोटो टू हाइजीन देम, यूज दिस तो तमे घनी बीमारियों थी बची सके छे। ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आ एक वुमेन्स डे ना दिवसे टू स्टार्ट ऑन दिस डे, आ दिवसे स्टार्ट करवानो एक मेन वस्तु छे के आज थी स्टार्ट करिए फॉर हाइजीनिटी इन वुमेन्स लाइफ, ए माटे मैं आ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन।